व्यूज हमारे पास क्या है। आपका जो टेबल होता है वो एक्चुअल टेबल होता है, लेकिन जब वो टेबल आप के सामने क्वेरी की सूरत में आता है या किसी भी सूरत में आता है तो वो एक व्यू बन के आपके सामने आता है। ठीक है, देखें जी, व्यू, उस व्यू का कोई ना कोई नाम होता है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर फील्ड्स भी होते हैं, कॉलम का टाइटल भी होता है, ऑर्डर्स भी होता है उसका, उसकी विड्थ भी होती है, सब आपको नजर आता है। इनकी एग्जाम है जी, मटेरियलाइज्ड व्यू क्या है, ये वो व्यूज हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद मेंटेन कर रहा होता है आपके टेबल्स के साथ साथ। ठीक है, मटेरियलाइज्ड व्यू जो होते हैं, और सिंपल व्यूज जो एक टेबल पे मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज जो एक से ज्यादा टेबल्स के पर मुश्तमिल होते हैं या एक टेबल एक व्यू और इस तरह करके बन जाते हैं, डायनामिक व्यूज जो होते हैं ये एक्सप्रेशन की सूरत में जनरेट होते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में जो आप कैलकुलेट कर रहे होते हो वो तो पहले टेबल में नहीं पड़ा होता। तो व्यू बेसिकली सिर्फ एक टेबल का आउटर व्यू है, याद रखिए। यानी जैसे हम यहां पर देख रहे थे ना, ये देखें, अब ये जो चीज हमें नजर आ रही है ना, ये एक्चुअल टेबल नहीं है, एक्चुअल टेबल तो कहीं पड़ा हुआ है जाके सर्वर के ऊपर, ये जो डेटाबेस का टेबल है, ये जो हमें नजर आ रहा है ये एक व्यू है और एक वर्चुअल टेबल है। ठीक है फरखंदा, मटीरियल देखे ना, ये एक व्यू है, ये एक सिंपल व्यू है, क्योंकि बल्कि ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स, क्या था उसका नाम, कंपोजिट व्यू है, ये कॉम्प्लेक्स व्यू है ये, क्योंकि ये व्यू पहले ये टेबल बना और उस टेबल के ऊपर ये वाली क्वेरी चली, तो ये एक कॉम्प्लेक्स व्यू है। जरा ये एक एक लाइनर इनकी डेफिनेशन देखें, सिंपल व्यू वो है जो क्रिएट होता है टेबल से, सिर्फ टेबल से क्रिएट होगा, चाहे दो टेबलों से बनाओ चाहे एक टेबल से बनाओ। अगर आप एक व्यू बनाते हो जो कि टेबल पे भी मुश्तमिल हो सकता है और व्यू पर भी मुश्तमिल हो सकता है, ये देखें, सच एज टेबल एंड व्यूज। ठीक है, दो टेबलों पे जॉइन लगाएं तो जो आपको नजर आएगा वो भी व्यू है, एक टेबल पे सिलेक्ट की क्वेरी लगाएं जो आपको नजर आएगा वो भी व्यू है। ठीक है, और लेकिन जब आपने एक व्यू जनरेट किया और एक व्यू है दूसरा आपके पास टेबल है, उन दोनों के ऊपर आप कोई क्वेरी लगा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली लकीली ये एग्जांपल हमारे सामने मौजूद, और फंक्शंस की सूरत में जनरेट होते हैं ये हमारे पास डायनामिक व्यूज होते हैं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे टेबल से बन के आ रहा है तो व्यू है, ये टेबल और व्यू से बन के आ रहा है तो ये भी इसके अंदर हमारे पास व्यू है, लेकिन ये तो टेबल में फील्ड ही कोई नहीं है, लेकिन आपको बना हुआ नजर आता है ना वहां पे। ठीक है जी, अगर ये सेशन एंड होगा तो हम इसको रिकंटिन्यू करेंगे जी, अगर हमारी बात खत्म नहीं होती तो जी। ठीक है, इसी तरह डिलीटिंग व्यूज जो डिलीट करते हैं, अपडेटिंग व्यूज जो डाटा को अपडेट करते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू का किसी ने पूछा था जी, तो ए प्री कंप्यूटेड टेबल कंप्राइजिंग एग्रीगेटेड जॉइंट डाटा पॉसिबली डायमेंशन टेबल एग्रीगेट व्यूज जो के एक डीबीएमएस में पहले से समराइज्ड तौर पर बने पड़े होते हैं वो हमारे पास मटेरियलाइज्ड व्यू कहलाते हैं जी। ठीक है जी, देखें जी इसमें खूबियां क्या आ गई जी, प्री कंप्यूटेड है और एग्रीगेटेड है। ठीक है, और इनको हम वो व्यूज को वर्चुअल टेबल व्यूज ये सारी चीजें तो एक ही चीज के दो नाम है ना जी। नहीं जी, व्यू कॉम्प्लेक्स व्यू का मतलब ये है, सुनो, टेबल से व्यू बनता है, टेबल से व्यू बनता है, अगर एक टेबल से है सिंपल व्यू, दो टेबलों से है तो व्यू, अब एक टेबल है और एक व्यू है, इन दोनों को मिलाकर जब आप एक व्यू बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स व्यू कहलाएगा। ठीक है जी, और फिर देखिए व्यू के पीछे कोई ना कोई टेबल है, अब एक्सप्रेशन क्या है, ये तो टेबल के अंदर मौजूद कोई नहीं है, समझ आ रही है ना, अब आप एक एक्सप्रेशन की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो टेबल जनरेट कर सकते हैं या एक व्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं, तो वो व्यू जो है वो हमारे पास कहलाएगा कि ये डायनामिक व्यू है। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट देख लें जी, हमारे पास मटेरियलाइज्ड व्यू जो है ये इंडेक्सेस की तरह ही होते हैं, क्योंकि इंडेक्सेस भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजी रिट्रीवल के लिए बना के रखता है। ठीक है, ताकि जब भी कोई मुझसे डाटा मांगे, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बुनियादी फंक्शन ये है डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना ताकि एफिशिएंटली उस डाटा को हासिल किया जा सके या रिट्रीव किया जा सके। ठीक है ना, तो मटेरियलाइज्ड व्यू का भी यही मतलब है कि पहले से जो है ना वो व्यूज को तैयार करके, टेबल्स को तैयार करके, उनकी समरी को तैयार करके डीबीएमएस अपने पास रख रहा होता है कि अगर ये क्वेरी आएगी तो इसको इंडेक्सेस के तौर पर जो है वो हम यूज करेंगे जी।
ठीक है जी।